Welcome to my YouTube channel Trip Drip. So I am back with another video of my Goa trip. मैं रांची से गोवा गई थी. So ये रांची एयरपोर्ट से मैं बैंगलोर जा रही थी. बैंगलोर में मेरा 5 hours का हॉल्ट था. ये मुझे बहुत ही क्यूट बेबी मिला था, मैं उसका भी वीडियो एक ले ली. मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ. बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, मैं पहले बैंगलोर रहती थी और मुझे बैंगलोर बहुत ही पसंद है. जैसे कि मेरा 5 hours का हॉल्ट था बैंगलोर एयरपोर्ट पे, सो आई डिसाइडेड टू स्पेंड 3 hours इन अ लाउंज. मेरे पास HDFC का प्लैटिनम डेबिट कार्ड था, सो इट कॉस्टेड मी 25 rupees. एंड पहले भी मैं लाउंज में गई थी, तब मेरे पास ICC क्रेडिट कार्ड था. दैट टाइम इट कॉस्टेड मी ओनली जस्ट 2 rupees. सो दिस टाइम आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो. बैंगलोर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड. आई हैव मेंशन द लिस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. और यू व्हेन यू विजिट द बैंगलोर एयरपोर्ट, यू कैन आस्क फ्रॉम अ फ्रंट डेस्क, दे विल गिव यू होल इन्फॉर्मेशन. दोनों वेज और नॉन वेज फूड अवेलेबल होते हैं. वाइड वराइटीज़ ऑफ फूड्स आर अवेलेबल, ब्रेड, बटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड सूप, सैलेड, टी, स्नैक्स. ओनली यू हैव टू पे फॉर अल्कोहलिक बेवरेज. एज इट वॉज अ क्रिसमस वीक, सो सम लाइव म्यूजिक वॉज गोइंग ऑन. आई वुड लाइक टू रिकमेंड ईच एंड एवरी वन, इट विल बी वर्थ 3 hours वेटिंग इन दिस लाउंज. इट्स टाइम टू लीव बैंगलोर एयरपोर्ट. So I reached Goa. It was a night view as I reached at like around 9 o'clock. Goa airport पे videography allowed नहीं है, so I did not take any video. और मैं ऑटो टैक्सी स्टैंड से मैं टैक्सी ली थी. दैट कॉस्टेड मी 1650 rupees. और एज इट वॉज अ क्रिसमस डे, इट वॉज 24th नाइट और बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड था गोवा. जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट्स लगे थे हर जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल था. गोवा का 5 days ट्रिप था. फर्स्ट डे मैं रात को पहुंची थी, सो आई रेस्टेड इन माय होटल. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ माय होटल टूर वीडियो एंड लिंक दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. सेकेंड डे मैं मीरामार बीच और कैफेज गई थी एंड कैसिनोस देखी. थर्ड डे मैं दूधसागर वाटरफॉल गई. फोर्थ एंड फिफ्थ डे डिफरेंट बीचेस मैं गई थी. It is not crowded like Baga Beach or Candolim Beach, so it was peace over there. As you can see, बहुत ही कम भीड़ था इस बीच पे और just local people थे, so it was a peaceful beach. मैं अराउंड हाफ डे यहाँ पे स्पेंड की और बहुत ही सुंदर सनसेट था. ऑन द वे टू मीरामार बीच कैसिनो एरिया भी पड़ता है, आप जाकर वहाँ बुकिंग करके और आप कैसिनो भी विजिट कर सकते हैं. आई डिड नॉट गेट चांस टू विजिट गो इनसाइड द कैसिनो. मीरामार बीच के पास बिरयानी बाई किलो, प्लीज़ विजिट दैट प्लेस, इट्स वर्थ विजिटिंग दैट प्लेस. बिरयानी वॉज सो डिलीशियस दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन. थर्ड डे मैं दूधसागर वाटरफॉल गई थी. आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दूधसागर वाटरफॉल, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. आई लिंक दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब मैं
अर्जुना बीच जा रही थी तब मुझे पिकॉक दिखा. सो आई थिंक इट वॉज अनयूजल फॉर अ गोवा एंड आई बिकम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड आफ्टर वॉचिंग पिकॉक. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इन दिस वीडियो और नॉट. ये अर्जुना बीच पे मैं मॉर्निंग में गई थी एंड बहुत ही कम क्राउड था अर्जुना बीच के इस साइड पे. दैट सेम डे मैं इवनिंग में पर्पल मार्टिनी विच इज़ वेरी फेमस कैफे ऑफ गोवा विच इज़ नियर टू अर्जुना बीच एंड इट वॉज रियली हैपनिंग कैफे एंड रियली यू कैन एन्जॉय द सनसेट ओवर देयर. Through my experience, I can say it is most photogenic place in Goa. You can see some of my photographs and you can enjoy the best evening in Goa. ये मैं अभी कैंडलम बीच में जा रही हूँ. मेरा होटल कैंडलम बीच के पास ही था और बहुत ही सुंदर स्ट्रीट्स है कैंडलम बीच का और आई थिंक सारे लग्जरी होटल इसी स्ट्रीट पे प्रेजेंट हैं. गोवा इज अ ग्रेट प्लेस हु लाइक्स टू पार्टी. सारे साइड्स में म्यूजिक चलते रहते हैं. This get lost in Goa. सच में आप जब भी गोवा जाएंगे you'll get lost in Goa. It is true. डॉल्फिन पॉइंट देखने जा रही हूँ और ये फेरीज लेकर आप डॉल्फिन देखने जा सकते हैं. बट मैं जब जा रही थी देन सम पीपल सजेस्टेड मी इट वाज नॉट वर्थ विजिटिंग दैट प्लेस एज डॉल्फिन दिखते नहीं हैं. सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो. माय ट्रिप कम्स टू एंड. सो आई हैव मेड सम डिफरेंट वीडियोज ऑफ होटल एंड दूरसागर वाटरफॉल. सो यू कैन वॉच इट. आई हैव लिंक दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.